तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 78 के नॉवल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जो यांग जियाओ जियाओ थी वो वांग यान से हार गई थी। और गाइस यांग जियाओ जियाओ डाउ सेट की सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदी थी और उसकी पावर पहले से ही निर्वाणा के लेवल 9 के पीक पर थी, पर फिर भी वो वांग यान से हार गई थी। और वहां पर जो वांग यान होता है वो अरीना को छोड़कर जाते हुए बोलता है, चलो अब मैं चलता हूँ, जब सेट कॉम्पिटिशन होगा तब मैं फिर डाउ सेक्ट में वापस आऊंगा। और यह बात बोलते हुए वांग यान वहां से जा रहा होता है, तभी अचानक से अरीना में लिंगडोंग की एंट्री हुई थी। लिंगडोंग को अरीना में उतरता हुआ देखकर आसपास के जितने भी कल्टीवेटर्स थे, चाहे वो डेसोलेट हॉल के हो, स्काई हॉल के, फ्लड हॉल, अर्थ हॉल, यहाँ तक कि डाउ सेट के जितने भी एल्डर्स और यहाँ पर जो डाउ सेट के सेक्ट लीडर थे ना, वो भी लिंगडोंग को अरीना में उतरता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और सभी लोग शॉक में कहते हैं, क्या लिंगडोंग सच में अरीना में वांग यान से फाइट करने के लिए जा रहा है? ये बंदा पागल तो नहीं हो चुका है? वांग यान पहले से ही निर्वाणा की लेवल 9 के पीक पर है और यहाँ पर लिंगडोंग की कल्टीवेशन केवल निर्वाणा की लेवल 6 पर है। क्या यहाँ पर लिंगडोंग पागल होगल तो नहीं हो चुका है? ये तो सीधे सीधे आत्महत्या है। मतलब गाइस यहाँ पर वांग या लिंगडोंग को जान से तो नहीं मार देगा, बट यहाँ पर लिंगडोंग काफी ज्यादा घायल हो सकता है। आसपास के जितने भी कल्टीवेटर्स थे ना, वो हिले हुए थे। और इधर जो लिंगडोंग होता है वो अरीना में एंटर कर वांग यान से बोलता है, सीनियर ब्रदर वांग यान कहाँ चल दिए? अभी फाइनल मैच होना बाकी है, फाइनल में मैं पहुंचाऊं और आप मुझे हल्की में तो नहीं ले रहे हैं? वहां पर जो वांग यान होता है वो पीछे मुड़ता है और बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से लिंगडोंग को देखता है। मतलब उसका कहने का मतलब यह था, अभी भाई अपनी कल्टीवेशन तो देख, पहले तू निर्वाणा के लेवल 6 पर है और तू सच में निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टीवेटर के साथ फाइट करने की हिम्मत भी रखता है? वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो वांग यान की तरफ देख कर कहता है, वांग यान सीनियर, मैं इतना ज्यादा नॉर्मल नहीं हूँ और आप मुझे इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। और यह बात बोलते हुए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक का फुल वर्जन रिलीज करता है। मतलब गाइस लिंगडोंग ने अभी जितना ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज सीखा था उसका पूरा ही वो रिलीज करता है। जैसे लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक का जितने उतना सीखा था पूरा फॉर्म रिलीज करता ना, उसके आसपास ही काफी ज्यादा खतरनाक ग्रीन कलर की लाइट एकदम घूमने लगती है। और अचानक से लिंगडोंग के पीछे दो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े ड्रैगन पंख हमें दिखाई दिए जाते हैं और अचानक से लिंगडोंग के पूरे शरीर पर ग्रीन ग्रीन कलर के अजीब से सेल्स दिखाई देते हैं। और यहाँ पर लिंगडोंग आसमान में उड़ जाता है और अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है। यह आभा बहुत ही ज्यादा भयानक थी। अगर लिंगडोंग का फाइट किसी भी नॉर्मल निर्वाणा के लेवल 8 के कल्टीवेटर के साथ होता ना, तो लिंगडोंग बहुत ही आसानी से निर्वाणा के लेवल 8 के कल्टीवेटर को जान से मार सकता था। वहां पर जो वांग यान होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, बहुत ही बढ़िया, तुम्हारे पास काफी ज्यादा बढ़िया स्किल्स और तुम्हारी टेक्निक भी काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि मेरी कल्टीवेशन क्या है और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम वांग यान है, जिसने डाउ सेट की सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदी यांग जियाओ की जियाओ को हरा दिया है। और तुम्हें क्या लगता है कि तू सच में निर्वाणा के लेवल 6 पर रहते हुए निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टीवेटर के साथ फाइट करेगा? वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो वांग यान की तरफ देख कर कहता है, अच्छा ये बात है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपने हाथ में एंशियंट इमोर्टल युआन ट्री का पेड़ निकाल लेता है। और गाइस एंशियंट इमोर्टल युआन ट्री जो लिंगडोंग जिस पेड़ का बीज डाउ सेक्ट में नहीं लगा कराया था, यावलिंग से फाइट करते हुए उसने डेविल मास्क के ग्रुप के सभी कल्टीवेटर के साथ फाइट किया था, इसी पेड़ की वजह से सारा कुछ हुआ था ना। लिंगडोंग ने बीज डाउ सेक्ट में दे दिया था ताकि वो लोग पेड़ उगा सके और पेड़ को लिंगडोंग ने अपने पास रख लिया था। और गाइस एंशियंट इमोर्टल युआन ट्री को नॉर्मल
पेड़ नहीं है जिसे काटा जा सकता है, वह एक काफी ज्यादा हाई लेवल का ट्रीजर हम मान सकते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत है ग्रीन ड्रैगन हवेली मटला इसकी पावर का यूज करते हुए साथ ही साथ एंशियंट इमोर्टल युआन पेड़ को उठाता है और काफी स्पीड के साथ है वहाँ पर सीधे वांग्यान पर अटैक करता है। लिंगडोंग की बॉडी से इतनी ज्यादा खतरनाक आभा निकल रही होती है ना, और जब लिंगडोंग उड़ते हुए जा रहा होता है ना तो पूरा जमीन रास्ते एकदम क्रैक पड़ते हुए जा रहा था। और इधर हमें वांग्यान को दिखाया जाता है लिंगडोंग की बॉडी से इतनी ज्यादा भयानक आभा को देखकर वहां पर वांग्यान की भी आंखें थोड़ी सी एकदम सिकुड़ जाती है और वांग्यान सोचता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और वहां पर जो वांग्यान होता है वो तुरंत अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वहां पर जो वांग्यान होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है तुम टैलेंटेड तो हो लिंगडोंग, बट तुम्हारी कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा लो है। अगर तुम निर्वाणा के लेवल 9 या निर्वाणा के लेवल 8 के पीक पर होते तो मैं तुमसे फाइट करने का सोच सकता था, बट तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और वहाँ पर जो वांग्यान होता है वह कहता है ब्लैक डीमन स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्म। और अचानक से जैसे ही यहाँ पर वांग्यान यह शब्द बोलता है उसकी ब्लैक स्वॉर्ड पर काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी दिखाई दी जाती है। वहाँ पर जो वांग्यान होता है अपनी ब्लैक स्वॉर्ड से लिंगडोंग के पेड़ पर अटैक करता है। और गाइस लिंगडोंग ने जब वांग्यान पर अपने पेड़ से नहीं अटैक किया था, अपने पेड़ से नहीं बल्कि एंशिएंट इमोर्टल युआन ट्री से, तब वांग्यान ने ना उस पेड़ में लिंगडोंग की जो आभा घूम रही होती मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी ऐसे क्रिटिकल पॉइंट को ढूंढ लिया था ना, जहां पर जैसे ही वांग्यान ने उस क्रिटिकल पॉइंट पर अटैक किया था लिंगडोंग का मतलब पूरा एकदम शारीरिक कांप गया था, लिंगडोंग भी पीछे चला गया था। और हमें वांग्यान का सीन दिखाया जाता है, वांग्यान ने जब लिंगडोंग के पेड़ के अटैक को डिफ्लेक्ट किया था तो वांग्यान का पूरा हाथ भी झनझना गया था। वहां पर जो वांग्यान होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है बहुत ही बढ़िया। और इधर हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है, लिंगडोंग फिर से खड़ा होता और कहता है डेसोलेट डीमन आई। और अचानक से लिंगडोंग की माथे पर तीसरी आंख खुलने लगती है। जैसे ही लिंगडोंग की तीसरी आंख खुलती है आसपास का एरिया काफी ज्यादा खतरनाक और अजीब से मिस्टीरियस ऑरा से भर जाता है और लिंगडोंग की तीसरी आंख से एक काफी ज्यादा खतरनाक रोशनी बाहर निकलती है और वो रोशनी सीधे वांग्यान पर शूट होती है। यहाँ पर लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज का एक काफी ज्यादा खतरनाक पावर यूज कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पर डेसोलेट डीमन आई का अटैक 2 से 3 गुना बढ़ गया था। और इधर हमें वांग्यान को दिखाया जाता है जो इस टेक्निक को पहचान लेता और कहता है ये तो डेसोलेट हॉल की डेसोलेट डीमन आई है। और वहां पर वांग्यान लिंगडोंग को शॉक में देखता और कहता है क्या इस टेक्निक को एल्डर झुओटोंग भी मास्टर नहीं कर पाए थे, लेकिन इस लड़के ने आखिर डेसोलेट डीमन आई टेक्निक कब सीख लिया। और गाइस आपको भी पता है वांग्यान डाउस एक्ट में अभी कुछ ही टाइम पहले आया था, ज्यादा समय नहीं हुआ, जैसे हॉल कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला था एक दिन पहले वह डाउस एक्ट में आया था, इसके कारण लिंगडोंग की टेक्निक्स के बारे में उसको ज्यादा आइडिया नहीं था कि लिंगडोंग ने डेसोलेट डीमन आई द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक ये सारी चीजें सीख ली है। और इधर हमें वांग्यान का सीन दिखाया जाता है, वांग्यान कहता है लिंगडोंग तुम्हें क्या लगता है कि डेसोलेट डीमन आई टेक्निक मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। और वहां पर जो वांग्यान होता है फिर से अपनी ब्लैक स्वॉर्ड से काफी ज्यादा खतरनाक स्लैश लगाता है। इस बार वांग्यान ने अपनी पूरी निर्वाणा की लेवल 9 की पीक की पावर को यूज किया था। आसपास के बंदे भी इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि लिंगडोंग ने वांग्यान को इतनी ज्यादा मजबूर कर दिया था कि यहाँ पर वांग्यान ने अपनी निर्वाणा की लेवल 9 की पीक की पावर का यूज किया था इस स्वॉर्ड अटैक में। और हमें सीन दिखाया जाता है जो लिंगडोंग का डेसोलेट डीमन आई का अटैक और इधर वांग्यान के स्वॉर्ड का अटैक जब आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक काफी खतरनाक धमाका होता है, इतना ज्यादा खतरनाक धमाका होता है कि एकदम लिंगडोंग और वांग्यान दोनों ही पीछे चले जाते हैं। और इधर हमें वांग्यान का सीन दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है क्या तुम्हारे पास केवल यही बच्चों वाले तरीके हैं, अभी तो मैंने अपने तुर्क के पत्ते का भी यूज नहीं किया है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है सीनियर ब्रदर वांग्यान इतनी भी जल्दी क्या है। और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक आभा बाहर निकलने लगती है। और गाइस
अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। तो अगर आपको देखना है ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है गाइस। अभी मार्शल यूनिवर्स में 800 से 900 एपिसोड्स हैं यार। अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुई और वहां पर केवल लिखे सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा, उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और इधर हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग की बॉडी से अचानक काफी ज्यादा खतरनाक हवा बाहर निकलने लगती है। वहां पर लिंगडोंग जोर से चिल्लाता है हेवनली डिसलेट फिंगर टेक्निक, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, फिफ्थ फिंगर, पांचों फिंगर कंबाइन हो जाए। और जैसे लिंगडोंग ये शब्द बोलता है वो जो पांचों फिंगर्स होती है वो कंबाइन हो जाती हैं और एक हाथ का निर्माण करती हैं और आसमान को चीरता हुआ वो हाथ है सीधे वांगयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है। लिंगडोंग केवल यहीं पर नहीं रुकता है बल्कि उसकी तीसरी आंख भी खुल जाती है और वहां पर लिंगडोंग जोर से चिल्लाता है डेसोलेट डीमन आई, वांग बीस्ट को समन किया जाए। और अचानक से एक काफी ज्यादा खतरनाक है आसमान में पोर्टल हमें दिखाई दिया जाता है। उस पोर्टल को चीरता हुआ एक काफी ज्यादा खतरनाक बिस्ट यहाँ पर प्रकट होता है। वह बिस्ट जैसे ही प्रकट होता है आसपास का पूरा एरिया ही जैसे एकदम भयानक एनर्जी से भर जाता है। और अचानक से हुआंग बिस्ट हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग के पास आ जाता है, मतलब पूरे आसमान को चीरता हुआ हुआंग बिस्ट भी लिंगडोंग के पास आ जाता है। लिंगडोंग हुआंग बिस्ट पर खड़ा हो जाता है। हुआंग बिस्ट की तीसरी आंख भी अब धीरे धीरे खुलने लगती है और अचानक से हुआंग बिस्ट की तीसरी आंख भी खुलती है। जैसे हुआंग बिस्ट की तीसरी आंख खुलती है ना इस बार हुआंग बिस्ट काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सीधे वांगयान पर करता है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ने वांगयान पर अपने दो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पावर का यूज किया था। पहला था डेसोलेट, वो हेवनली डेसोलेट फिंगर टेक्निक और दूसरा था हुआंग बिस्ट। इन दोनों की पावर ही एकदम नेक्स्ट लेवल की थी और वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक आभा से हुआंग बिस्ट का अटैक आगे बढ़ा होता और आसमान को चीरता हुआ वो जो हाथ वाला पंजा वाला अटैक होता वो भी वांगयान की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर वांगयान भी लिंगडोंग के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर मतलब वो भी समझ गया था कि अगर वो नॉर्मल तरीके से इस अटैक को रोकता है तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। यहाँ पर लिंगडोंग ने जो अटैक किया है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के, उसमें जो स्पिरिचुअल एनर्जी और उसका जो प्रेशर है ना वो वांगयान को भी महसूस हो रहा होता है। वांगयान शॉक में कहता है एक निर्वाणा के अलावा सिक्स का कल्टिवेटर इतना ज्यादा खतरनाक अटैक कैसे कर सकता है। अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल निर्वाणा के लेवल 9 का भी कल्टिवेटर था ना वो भी लिंगडोंग के इन दोनों अटैक का सामना नहीं कर पाता। और अचानक से वहां पर जो वांगयान होता है वो जोर से चिल्लाता है स्काई एम्परर मार्शल टेक्निक। और गाइस यहां पर वांगयान स्काई एम्परर मार्शल टेक्निक का यूज करने वाला था लेकिन यहां पर वो स्काई एम्परर मार्शल टेक्निक के एक अलग वर्जन का यूज करता है। अचानक से आसमान को चीरते हुए बहुत सारे स्वॉर्ड्स सीधे वांगयान के चारों तरफ गिरने लगते हैं और वो चारों बहुत सारी स्वॉर्ड्स मिलकर एक अजीब सी घंटी का निर्माण कर देते हैं। गाइस यहाँ पर ये स्वॉर्ड्स ने मिलकर मतलब पूरी तरह से वांगयान को घेर लिया था। यहाँ पर गाइस वांगयान ने समझे कवच बना लिया था और वो सारी स्वॉर्ड्स बहुत ही स्पीड के साथ वांगयान के चारों तरफ घूम रही होती है। और इधर जो लिंगडोंग की फिंगर टेक्निक का अटैक और हुआंग बिस्ट का अटैक दोनों ही जैसे ही वांगयान के उस घंटी वाले अटैक से टकराता है वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक धमाका होता है। इतना ज्यादा खतरनाक धमाका होता है ना कि वांगयान ने जो अपने चारों तरफ वो स्वॉर्ड नहीं लगाई थी एकदम डिफेंस के लिए वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इधर जो लिंगडोंग का फिंगर वाला टेक्निक अटैक था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ ही साथ हुआंग बिस्ट का भी अटैक एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहां पर वांगयान भी लिंगडोंग के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि इस अटैक में बहुत ही ज्यादा पावर थी। उसने वांगयान के स्काई एम्परर मार्शल टेक्निक को भी डिस्ट्रॉय कर रख दिया था। स्काई एम्परर मार्शल टेक्निक अगर अटैक
अटैक करती ना तो उतनी ज्यादा पावर नहीं होती, लेकिन अगर वो डिफेंस में लग जाती है ना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक डिफेंस का निर्माण कर देती है। बट यहाँ पर लिंगडोंग ने उसके डिफेंस को कैसे तोड़ दिया, यही सारी चीजें वांग्या सोच रहा होता है। वहां पर वांग्या लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन अब मेरे तुरुप के पत्ते का सामना करो। और अचानक से जो वांग्यान होता है वो अपनी स्वाट को जमीन में गाड़ देता है और तुरंत वो जमीन पर बैठ जाता है और कुछ अजीब सा जमीन पर निर्माण करने लगता है, मतलब कोई अजीब सी फॉर्मेशन को वो बनाने लगता है। और जैसे ही वांग्यान ऐसा करता है ना, आसपास एक काफी ज्यादा खतरनाक है ब्लैक कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है और इधर में यांग ज़ियाओ ज़ियाओ और इंग वान वान को दिखाया जाता है। गाइस यहां पर यांग ज़ियाओ ज़ियाओ घायल थी, बट वहां पर यांग ज़ियाओ ज़ियाओ भी वांग्यान को कुछ अजीब सी संरचना बनाते हुए देखकर कहती है, लगता है यहाँ पर वांग्यान के पास कोई और भी तुरुप का पत्ता है, वह उसी तुरुप के पत्ते का यूज करने वाला है लिंगडोंग को हराने के लिए। वहां पर इंगुआन वान कहती है, क्या कोई और तुरुप का पत्ता, और क्या क्या वो स्काई एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वहां पर यांग ज़ियाओ बोलती है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वहां पर जब यांग ज़ियाओ ज़ियाओ ये सब बोल रही होती है ना तो उसका पूरा ओट कांप रहा होता है और कहती है, अगर यहाँ पर लिंगडोंग वांग्यान के इस अटैक को नहीं रोक पाया तो सच में लिंगडोंग ये मैच हार जाएगा। और हमें डाउसेट के लीडर यांग ज़ुआनजी की तरफ दिखाया जाता है। यांग ज़ुआनजी वांग्यान की संरचना को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो ब्लैक डीमन मिरर मार्शल आर्ट टेक्निक है। डाउसेट के लीडर के बगल में बहुत सारी हॉल्स के लीडर और एल्डर्स भी बैठे हुए थे। उनमें से एक एल्डर पूछता है, ब्लैक डीमन मार्शल आर्ट टेक्निक। वहां पर यांग ज़ुआनजी बोलते हैं, ब्लैक डीमन मार्शल आर्ट टेक्निक एक काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसे एंशियंट टाइम में क्रिएट किया गया था और इसका जो क्रिएटर था ना वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी था। उसका नाम था हुआंजी। हुआंजी एंशियंट टाइम का एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था और उसी ने ही ब्लैक डीमन मार्शल आर्ट टेक्निक को क्रिएट किया हुआ था और वो बंदा एंशियंट टाइम में भी बहुत ही ज्यादा क्रूएल था। और मुझे लगता है कि यहाँ पर वांग्यान को हुआंगजी की विरासत प्राप्त हुई है, वह बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी वहां पर स्काई हॉल के लीडर पूछते हैं, क्या यह ब्लैक डीमन एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक है? स्काई एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक से पावरफुल है। तभी वहां पर जो डाउसेट के लीडर होते हैं वह कहते हैं, स्काई एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक से पावरफुल, मतलब तुम मान सकते हो दोनों ही एक समान ही है, लेकिन ये ब्लैक डेमन एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक कुछ बहुत ही ज्यादा क्रूबल है। जब यह परफॉर्म किया जाता ना तो एक बहुत ही ज्यादा डेंजर परिणाम लेकर आता है। अगर यहाँ पर कोई बंदा स्काई एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक के फुल वर्जन को सीख ले तभी शायद वह इस अटैक को रोक सकता है। और हमें वांग्यान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वांग्यान के चारों तरफ ब्लैक ब्लैक ऑरा फैलने लगता है। अचानक से वो ब्लैक कलर का ऑरा ना पूरे एरिना को घेरने लगता है और आसमान को चीरता हुआ एक अजीब सी ब्लैक कलर की छाया वहां पर प्रकट होती है। ब्लैक कलर की जब छाया प्रकट होती है ना तो उसके पूरे मुंह पर अजीब अजीब से लाल लाल कलर के एकदम आग जल रहे होते हैं और उसकी तीसरी आंख भी होती है, लेकिन तीसरी आंख रास्ते ना फ्लेम भर रही होती है, मतलब खड़खड़ का एकदम फ्लेम जल रही होती है। और जब वो आकृति प्रकट हुई थी वहां पर वांग्यान खड़ा हो जाता है। वहां पर गाइस ये था ब्लैक डीमन एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक। वांग्यान तुरंत ब्लैक डीमन एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक से सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। वो आकृति जो ब्लैक कलर की बहुत ही ज्यादा बड़ी थी वो सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो आकृति अपना पैर आगे बढ़ाती है ना अचानक से ब्लैक ब्लैक कलर का पूरा चीजी अरीना में फैलने लगता है और पूरी अरीना को एक अजीब सा कवच घेर लेता है। दरअसल यही ब्लैक डीमन एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक की सबसे ज्यादा खास बात थी। जब इसका इस्तेमाल किया जाता था तो जिसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है ब्लैक डीमन एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक पहले उस बंदे को घेर लेती है ताकि वो बंदा भाग ना सके और ना ही उसको ज्यादा स्पेस मिल पाए ताकि वो ज्यादा मूवमेंट वूमेंट या खुद इधर छटा कोटक ना पाए। और इधर हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है, उसे भी महसूस होता है कि वो ज्यादा दूर तक हिल नहीं सकता। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, लगता है मुझे भी अपना एक तुरुप का पत्ता बाहर निकालना ही पड़ेगा। और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ऑरा बाहर निकलने लगता है। ये
अरोरा जैसे ही बाहर निकलता है ना, पूरे एरिया में अचानक से एक अजीब सा, जैसे सारी जमीन सूख उख रही है, वो जो कवच लिंगटो को घेर नहीं रहा था उसमें भी दरारें पड़ने लगती है और अचानक से लिंगटो की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक हवा बाहर निकलती है। इस हवा को देखकर वहां पर वांग्यान, डेसोलेट हॉल के सभी डिसाइपल, यहां तक कि डेसोलेट हॉल के सभी एड्रेस भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर लिंगटो यूज करने वाला है द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक। 100 सालों बाद हमें द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और इधर वांग्यान भी लिंगटो की बॉडी से जो हवा निकल रही होती है और जो मौसम बन रहा होता है वो देखकर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है ये तो द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है। क्या लिंगटो ने सच में द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया? तभी इस बंदे के पास इतना ज्यादा घमंड है। और गाइस यहाँ पर season 8 एंड हो जाता है। season 9 पेड़ पर पहले स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। season 8 में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वहां पर season 8 में लिंगटोंग सेट कॉम्पिटिशन में जाएगा, जहां पर लिंग क्यूंगजी से मुलाकात होगी और वहीं पर शायद लिंगटोंग की बहन भी आएगी, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो season 8 जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।